टू ऑल ऑफ यू। आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे होंगे। जैसे कि कल हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड स्टडी किया था, टुडे वी आर गोइंग टू डू सम रिएक्शंस ऑफ एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले है रिएक्शन विद सोडियम मेटल। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ लाइक सोडियम, पोटेशियम, जिंक के साथ और प्रोड्यूस करता है कार्बोक्सिलिक साल्ट्स विद हाइड्रोजन गैस, दैट इज एसिटिक एसिड सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करके बनाएगा सोडियम एसिटेट प्लस हाइड्रोजन गैस। एसिटिक एसिड जिंक के साथ रिएक्ट करके बनाएगा जिंक एसिटेट प्लस हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन विद अल्कलीज। दीज कंपाउंड्स रिएक्ट विद अल्कलीज फॉर्मिंग साल्ट एंड वाटर। फॉर एग्जाम्पल, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम एसिटेट प्लस वाटर। रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स। दीज एसिड्स रिएक्ट विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स फॉर्मिंग साल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फॉर एग्जाम्पल, एसिटिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट टू फॉर्म सोडियम एसिटेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। रिएक्शन ड्यू टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। द OH ग्रुप ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी ईजिली रिप्लेस्ड बाई अ नंबर ऑफ ग्रुप्स लाइक क्लोरिन, OR, NH2, OCr टू फॉर्म क्रॉसबॉन्डिंग डेरिवेटिव्स ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे R कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्कोहल लें और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में जैसे हिट करें तो हमें मिलेगा ईस्टर प्लस वाटर। मिथनोल प्लस इथनोइक एसिड बना के देंगे मिथाइल इथनोट प्लस वाटर। बेंजोइक एसिड प्लस इथनोल इथाइल बेंजोएट प्लस वाटर। फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड्स। जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का मे बी रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन एटम्स बाय रिएक्टिंग इट विद फॉस्फरस ट्राइक्लोराइड और पेंटाक्लोराइड फॉस्फरस, ऑक्सीक्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड के साथ भी। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर मैं फॉस्फरस ट्राइक्लोराइड के साथ हीट करूँ तो हमें मिलेगा एसिड क्लोराइड प्लस फॉस्फरस एसिड। अगर RCOH फॉर्मिक एसिड को PCl5 के साथ करूँ तो हमें मिलेगा एसिड क्लोराइड प्लस POCl3 प्लस HCl। RCOH को कार्बोक्सिलिक एसिड को थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करूँ तो हमें मिलेगा थायोनाइल क्लोराइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HCl एंड द फॉलोइंग क्रॉसबॉन्डिंग रिएक्शंस। फॉर्मेशन ऑफ एसिड अमाइड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करते हैं अमोनिया के साथ टू फॉर्म अमोनियम साल्ट्स विच ऑन हीटिंग जील अमाइड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म अमोनियम कार्बोक्सिलेट, जो वाटर की हीटिंग के प्रेजेंस में वाटर लिबरेट करेगा टू फॉर्म एसिड अमाइड प्लस वाटर। फॉर एग्जाम्पल, इथनोइक एसिड बना के देगा अमोनियम इथोनेट, जो अमोनियम इथोनेट को हम हीट करेंगे तो हमें मिलेगा इथन अमाइड प्लस वाटर। बेंजोइक एसिड प्लस अमोनिया बना के देंगे बेंजो अमाइड प्लस हीटिंग पे बेंजा अमाइड प्लस वाटर। रिएक्शन ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। द लोअर एसिड्स कैन नॉट बी इजिली रिड्यूस्ड हायर एसिड ऑन कैटलिटिक रिडक्शन विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट कॉपर ऑन क्रोमाइट एट हायर टेम्परेचर एंड हायर प्रेशर फॉर्म प्राइमरी अल्कोहल। मतलब जैसे ही हम रिडक्शन करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, कार्बोनाइल ग्रुप रिड्यूस्ड होगा टू अल्कोहल। फॉर एग्जांपल, कार्बोक्सिलिक एसिड की हम रिडक्शन करें इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, हमें मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल प्लस वाटर। और अगर रिडक्शन करनी हो कार्बोक्सिलिक एसिड टू कैटीन अल्केन्स में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस किया जाता है बाय द क्रॉसबॉन्डिंग अल्केन्स बाय जूसिंग हाइड्रोजन आयोडाइड एंड रेड फॉस्फरस। जब कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं हम हाइड्रोजन आयोडाइड एंड रेड फॉस्फोरस के साथ, हमें मिलेगा अल्केन प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल, एसिटिक एसिड प्लस 6 हाइड्रोजन आयोडाइड रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में बनाते हैं इथेन प्लस वाटर प्लस 3 आयोडीन मॉलिक्यूल्स। एसिटिक एसिड 6 हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में बनाते हैं मीथेन, वाटर प्लस इथा आयोडीन। विद दिस टुडे लेक्चर इज ओवर। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ वेरी नाइस डे।